हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे कि भाई ये फोटोशॉप यूज़ करके हम नॉर्मल मैप टेक्सचरिंग के लिए कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कोई भी एक इमेज या कोई भी हमारा एक टेक्सचर वो हमें फोटोशॉप में खोलना होगा। तो उसके हम कॉपी बना लेंगे, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो हमारे पास उसकी कॉपी बन जाएगी। अब ये प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे फिल्टर देख पा रहे हैं, फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास 3D का ऑप्शन है। यहाँ पे देखो आप जनरेट कर सकते हैं बम्प मैप प्लस नॉर्मल मैप। तो पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल मैप कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो हमें सिंपली क्लिक करना है, नॉर्मल मैप ऐसे जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आप इसको ट्विक कर सकते हो कि भाई आपको जैसे अभी मेरा ये ठीक है, नॉर्मल मैप में कोई इतनी जो है प्रॉपर्टीज जो एट्रीब्यूट दिख रहे हैं मेरे को, ये मेरे लिए काफ़ी हैं। ये हमारे पास से यूवी यूवी एक्स ऑफसेट टाइल वगैरह ये हमारे पास आ सकती हैं। तो यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे क्योंकि हमारे लिए ये ठीक है। तो अभी हमारे पास नॉर्मल मैप जनरेट हो चुका है। अब इसको हम कहीं पे भी सेव कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एस करके। यहाँ से हम इसको जेपेग में सेव कर सकते हैं, वॉल टेक्सचर अंडरस्कोर तो ऐसे हम इसको यहां से सेव कर सकते हैं।